यार अभी मॉर्निंग का 7:48 हुआ है भाई, पर टूरिस्ट लोग इधर बहुत ही ज्यादा आते हैं, तो जल्दी से बस करते हैं उसके बाद। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, की हाल चाल दोस्तों, आई होप बढ़िया होंगे आप सभी लोग। और सुबह का भी समय और अभी भी सीख रहे हो, 3:40 वाला दोस्तों, क्योंकि अपना ट्रेन है 4:25 पे एकता नगर के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा जो है स्टेचू मूर्ति हमारे इंडिया में है, तो उसको आज हम विजिट करने वाले हैं दोस्तों। और पता ना कैसा लग रहा हूँ दोस्तों, ऑन सेट हो गया भाई, तो अभी निकलता हूँ क्योंकि ट्रेन आने वाली है दोस्तों। और भाई ये रहा अपना सेटअप, कुछ ऐसा दिखता है। तो फिलहाल भाई हम आ गए भरतपुर स्टेशन, और यहाँ पे पंछियों की आवाज़ आप सुन सकते हो, तो म्यूजिक लगाने का बैकग्राउंड में कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। और अभी कुछ टाइम में अपना ट्रेन आने वाला है दोस्तों, तब तक वेट करते हैं थोड़ी देर। और ये ऐसा रहा स्टेशन। तो दोस्तों ये रही हमारी ट्रेन एकता नगर सुपर फास्ट, जो कि आ चुकी है, 5 मिनट डिले थी, ज़्यादा नहीं दोस्तों। यार भाई आपका सोलो राइड कर रहा है यार भाई, तो प्लीज़ चैनल पे ध्यान देना भाई सभी जन। और मेरा फर्स्ट टाइम है भाई कि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ ट्रेन में। तो फिलहाल दोस्तों मिलते हैं आप सभी को एकता नगर। फिलहाल दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 5:43, और अभी हम वडोदरा स्टेशन पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। और ये है एकता नगर सुपर फास्ट ट्रेन, जो कि देख सकते हो, मतलब यहाँ पे मिरर भी दिया गया है, और ये सीट वगैरह कुछ ऐसा रहता है। तो हमारे इंडिया की ट्रेनों में भाई काफ़ी मतलब साफ सफाई का ध्यान दिया जाता है। तो अभी हमको लगता है अगर ये जो ट्रेन है हमको पहुँचाएगी समथिंग 7:30 के आसपास, तो अभी थोड़ा सोते हैं दोस्तों, फिर वहाँ पर मिलते हैं आप सभी से। आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा दोस्तों वीडियो। दोस्तों अभी सुबह हो गया है, और मैं बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ भाई, बहुत ही उत्सव है दोस्तों। ऐसा रहा जल्दी दोस्तों, काफी अच्छा लग रहा है यार। और एकता नगर दोस्तों हम आ गए हैं, ये रहा स्टेशन जो कि देख सकते हो। फाइनली दोस्तों हम आ गए एकता नगर स्टेशन पे। ये स्टेशन स्टेचू को विजिट करने के लिए बनाया गया था, पहले इसका नाम केवड़िया था, बट अभी इसका नाम चेंज हो गया है और अभी एकता नगर नाम से कर दिया गया दोस्तों। और ये हमारे पीएम मोदी जी की है, और ये स्टेशन बहुत ही खूबसूरत बना है दोस्तों बहुत ही कम समय में। और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे उतरने के बाद सब लोग मतलब फोटो वगैरह, सब टूरिस्ट लोग ही आते हैं ज़्यादातर। तो ये देख सकते हो आप कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। और अभी चलते हैं जल्दी से बाहर, वरना बस निकल जाएगी। और भाई यहाँ पे आने के बाद आप साफ सफाई देख सकते हो कितना खूबसूरत मतलब है। और उतना बड़ा नहीं है स्टेशन, अगर जितने भी बड़ा भाई ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है। तो यार भाई मैं तो बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मैं लाइफ में पहली बार मतलब ऐसा सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। और यार आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो पूरा इंडिया भाई ट्रैवल करूँगा। तो दोस्तों अभी इजिप्ट करते हैं, और इजिप्ट लेते ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप बस है, तो तुरंत लेते हैं भाई, वरना लेट भी हो जाएगा। और सामने ये मूर्ति देख सकते हो आप लगा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, और सामने रिसोर्ट वगैरह भी है। और कुछ ऐसा ही स्टेशन एकता नगर का।
वो यार अभी मॉर्निंग का 7:48 हुआ है भाई, पर टूरिस्ट लोग इधर बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो जल्दी से बस करते हैं उसके बाद चलते हैं दोस्तों। तो कुछ ऐसा रहता बस जो भी आप देखिए, तो गाइस पूरा फुल हो चुका है, तो मेरे को खड़ा होकर जाना पड़ेगा, तो बस थोड़ी देर की बात है दोस्तों।